उत्तराखंड बजट सत्र के दूसरे दिन सत्र में भाग लेने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा में कहा कि आज सदन में दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग, समाज कल्याण विभाग और पेंशन संबंधित सवाल लगे हैं, जिसका प्रदेश सरकार को उत्तर देना है। लेकिन जिस तरह से कल प्रश्नकाल के दौरान सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष के सवालों के जवाब सही ढंग से न देकर सिर्फ समय काटने का काम किया है और विपक्ष के सवालों से सरकार के मंत्री बचते हुए नजर आए, इससे एक बात तय है कि सरकार के मंत्री सदन में बिना तैयारी के आते हैं। देखिए, आज के जो सवाल हैं वो मुख्य रूप से समाज कल्याण और परिवहन विभाग से और पेंशन से संबंधित हैं, और जिस तरह का वातावरण कल सदन में देखने को मिला, जिस तरह के हमारे मंत्री जी ने विभिन्न विभागों के सवाल से बचने की कोशिश की, होमवर्क नहीं था और सरकार सवालों से बचना भी चाहती है, और सवाल इतने महत्वपूर्ण थे जिसका जवाब देने की स्थिति में माननीय मंत्री नहीं थे, यह दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और पूरा सदन देख रहा था, पूरा उत्तराखंड के हमारी आवाम देख रही थी किस तरह से सवालों के जवाबों में वह जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। तो मेरा मानना है कि होमवर्क की कमी है, और आज देखते हैं परिवहन विभाग से संबंधित मामले हैं, पेंशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और खाद्य विभाग का भी संभवतः प्रश्न होगा, तो ये सवालों के समाज कल्याण से संबंधित प्रश्न है। इन सवालों का जवाब देने में आज सरकार कितनी असहज होती है, इसको भी देखने का आज अवसर है। 310 में हम चारधाम यात्रा में जिस तरह सरकार विफल रही है, उसको भी हम आज पुरजोर तरीके से सदन में उठाने जा रहे हैं। फिलहाल आज तमाम महत्वपूर्ण विपक्ष के द्वारा सवाल लगाए गए हैं, अब देखना ये होगा कि सरकार के मंत्रियों ने कितनी तैयारी की है और कितनी जिम्मेदारी के साथ जनहित के मुद्दों पर गंभीरता से जवाब देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।